और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। पंचमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:47 तक रहेगी। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, लिहाजा आज बसंत पंचमी है। इस दिन विद्या और कला की देवी सरस्वती जी की पूजा का विधान है। इस दिन वागीश्वरी जयंती और उनके दर्शन पूजन किए जाने की परंपरा है। आज बसंत पंचमी से वसंतोत्सव की शुरुआत भी होती है। ये वसंतोत्सव होली तक चलता है। इस उत्सव को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत आज बसंत पंचमी के दिन रति काम महोत्सव से होती है, लिहाजा आज रति काम महोत्सव भी है। एक तरह से ये दिन हमारे पुरखों का के वैलेंटाइन सीजन की शुरुआत है। पश्चिम में तो वैलेंटाइन डे होता है ना, चूँ इसे एक दिन, यहाँ पूरा वैलेंटाइन सीजन है जो बसंत पंचमी से शुरू होता है, होली तक चलता है। आजकल जहाँ केवल कुछ दिनों के लिए ही प्यार का उत्सव वैलेंटाइन मनाया जाता है, हमारे पूर्वज बसंत पंचमी से लेकर होली तक ये उत्सव मनाते थे। आज के दिन भगवती रति और कामदेव की पूजा का विधान है। इस दिन दोनों की भव्य मूर्तियां बनाकर उन्हें फूलों से सजाकर और कामदेव के हाथों में 5 बाण देकर उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए आज के दिन नए कार्यों की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। इस दिन विशेष तौर पर कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन करना, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ कार्य करना भी कुछ लोग अच्छा मानते हैं। इसके अलावा आज देर रात 1:49 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। आज रात 8:57 से लेकर कल सुबह सूर्योदय तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्धि योग बहुत ही उत्तम रहता है। आज रात 8:57 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। यह नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध को बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। इस नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, जिन लोगों को रेवती नक्षत्र के दौरान, उन लोगों को आज महुआ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आज आप महुआ के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं, न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लाइए। इसके अलावा 11 फरवरी की देर रात 2:11 से शुरू होने वाले पंचक आज रात 8:57 पर समाप्त हो रहे हैं। आप जानते हैं कि पंचक के दौरान कुछ शुभ कार्य करने की मनाही होती है, जैसे लकड़ी इकट्ठी करना, घास इकट्ठी करना, चारपाई बनवाना या खरीदना और कोई भी वुड वर्क, साथ ही दक्षिण दिशा की यात्रा करना भी शुभ नहीं माना जाता। तो ये थी चर्चा आज के दिन बसंत पंचमी, रतिकाम महोत्सव, शुभ योग, रेवती नक्षत्र और पंचक के बारे में। अब हम बात करेंगे आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इनका फायदा उठा सकते हैं। और आइए बात करते हैं उपायों की। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का स्मरण करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते कामदेवाय, यस्य यस्य दृश्यो भवामि, यस्य यस्य मम मुखम पश्यामि, तत् मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखें, उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको भगवती रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। और अगर आपका बच्चा भी छोटा है, वो स्कूल जाता है और आप चाहते हैं कि वो आगे चलकर एक अच्छा वक्ता बने, लोग उसकी बातों से प्रभावित हों, तो आज आपको अनार की कलम या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर
माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आएंग लिखना चाहिए, ए आई की मात्रा अंक की बिंदी आएंग लिखिए। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए आज आप एक सफ़ेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें, और जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके बच्चे ने अभी तक कुछ लिखना शुरू नहीं किया है और आप उसे जल्द ही स्कूल पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं तो आज आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। आप ओम लिखवाइए, श्री राम लिखवाइए, स्वस्तिक बनवाइए, आयंग लिखवाइए, जो चाहे लिखवाइए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में नई उमंगों के बयार को बहाल करना चाहते हैं तो आज आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो आज आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम नमः कामदेवाय सकल जन्म सर्जनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षु धर कुसुम बाणे न हन हन स्वाहा। देखो कामदेव के हाथ में इक्षु यानी गन्ना होता है और कुसुम के पुष्प के बाण उसके हाथ में होते हैं, है ना। तो ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षु धर कुसुम बाणे न हन हन स्वाहा। अगर आप जल्द ही किसी लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं या आप कोई महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने वाले हैं तो आज आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल की टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आज आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र क्लीं के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए। क्लीं क्लीं कुछ जगहों पर कहा है, लिखते हैं क्लीं कामदेवाय नमः स्वाहा, क्लीं कामदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप संगीतकार हैं, गायक हैं या संगीत की किसी अन्य विधा से संबंध रखते हैं और जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको स्नान के बाद देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और देवी माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। देखो तंत्र के कुछ विधाएं ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि ये जो बीज हैं ऐं ह्रीं क्लीं और श्रीं, इनके पहले ओम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में, अधिकांश शास्त्रों में ओंकार प्रणव लगा हुआ पाया जाता है। आप अपने पंथ के हिसाब से जैसे आपने दीक्षा ली हो उस हिसाब से करिए, हमारे हिसाब से दोनों में लाभ है। आप चाहें ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः, अगर आप प्रणव नहीं लगाना चाहते तो ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः आपको पूरा लाभ होगा, ठीक है। करिए, कैसे भी करिए लेकिन करिए। अगर आपको लीवर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी रहती है तो उससे राहत पाने के लिए आज आप पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं पीले चावलों का भी उपभोग करें, आनंद हो जाएगा आपको। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आप माँ सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप आपको करना चाहिए। मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः। तो ये थी सारी चर्चा आज बसंत पंचमी रतिका महोत्सव। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। यानी भगवती सरस्वती का आज के दिन ध्यान करना चाहिए, सफेद वस्त्र है। या कुंदेन्दु हार, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, धवल वर्ण वाली सफेद, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो आज जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया जो लक्ष्मी सरस्वती और काली तीनों से मिलकर
उनके माता सरस्वती स्वरूप का स्मरण अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है। लेकिन ये परंपरा क्यों है? ये परंपरा इसलिए है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा संबंध होता है कि पृथ्वी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगातार लहरें बहती हैं। हमारा शरीर जिसका पावर हाउस लीवर है, उस लीवर को धोने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और येलो कलर उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट इज़ द केस कि अगर इस छोटे से कमरे में है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है, इतने बड़े में है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, पूरे प्लैनेट अर्थ पर हर जगह है उसके दक्षिण पश्चिम से उससे उत्तर पूर्व की ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहती है। देखो हम भारतवासी तो अनंत काल से इस तरीके की बातें पहचान कर कहते आए हैं, लेकिन साइंस अब सिद्ध कर रही है। अभी 2 साल पहले एक एस्ट्रोनॉमर से हम बात कर रहे थे, उनसे हमने कहा वो व्हाट डू यू थिंक ऑफ अगस्त तारा, तो कह लिया कि अब तो हम इसको स्वीकार करने लगे हैं कि हिंद महासागर में वाटर कामिंग से इसका संबंध है। यानी जब कन्या और तुला राशि के बीच सूर्य होता है उस समय अगस्त तारे का उदय होता है। हम क्या कहते हैं कि अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया। तो हमारी चीज़ें जो है वो विशुद्ध वैज्ञानिक, और बसंत पंचमी के दिन ये जो वेव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है वो पीले रंग में रुक जाती है और आपके लीवर को प्यूरीफाई कर देती है, इट डिटॉक्सिफाइज योर लीवर फॉर द होल ईयर। इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा पहनने में आपकी कोई हानि नहीं है। और अब वो समय गया जब मूर्ख किस्म के लोग आपको ऐसे काम करते हुए देख के आपको देहाती समझते थे, क्योंकि सनातन धर्म की हर परंपरा का पालन करना, यहाँ वेस्टर्न वेस्ट के षड्यंत्र के तहत हर परंपरा का पालन करना मूर्ता घोषित कर दिया गया था। अब सब वही कर रहे हैं, अब दुनिया हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही है, स्पृश्यता का ख्याल रखा जा रहा है, सब कुछ वही हो रहा है जो भारत में हजारों साल पहले से होता चला आया है। चलो अब बात करते हैं आज के अवार्ड ऑफ द डे की। आज 16 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, इस तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद कल सुबह 5:47 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी लग जाएगी और षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुँह में डालना ये मना है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं, बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व,